तो आपने कन्वेयर बेल्ट सुशी के बारे में ज़रूर से सुना होगा और देखा भी होगा, बट आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो सुशी नहीं, केक है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, मेरा नाम है आत्मिकी एंड आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये मैं आपको फिर कभी और दिखाऊंगी, ठीक है? तो चलो चलते हैं। जापान में यूनिक एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और अगर आप मछली नहीं खाते हो तो क्या हुआ, इस कैफे में घुसते ही आपको कन्वेयर बेल्ट पे केक जाते हुए दिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉफी ये सब भी ऑप्शन है पीने के लिए, अनलिमिटेड कुछ भी पी सकते हो। और ये पूरा कैफे है, अच्छा लग रहा है ना। इस कैफे की एक और स्पेशलिटी है, वो ये कि यहाँ पे आप 2100 येन दे के कुछ भी अनलिमिटेड खा सकते हो। लोग तो शादियों में भी थालियां भर भर के खाना खाते हैं, मैंने तो फिर भी इस अनलिमिटेड सर्विस का पैसा पे किया था। और जब हम इंडियन कहीं पैसा पे कर देते हैं तो उसको अच्छे से वसूलना जानते भी हैं, है ना। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, प्लेटें बटोरना शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट पिक है ऑटम स्पेशल चेरी, कितना बढ़िया लग रहा है नहीं, ये देखो। बट बहुत जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी बस इतनी ही प्लेटें रखी हैं, तो प्लेटें बढ़ानी पड़ेगी ना, बफे सिस्टम है, खाना पड़ेगा। मैं इतने मस्त मूड में बैठ के खा रही थी और मेरे सामने की कन्वेयर बेल्ट खाली आ रही थी, मतलब मैं ना ऐसे हो गई थी कि क्या यार खाली क्यों आ रहा है, और तभी मैंने देखा कि यार ये लड़की ही सारी प्लेटें उठा लेती है। तो एक काम करते हैं कि आपको थोड़ा घुमा के लेके आते हैं। मेरा अभी तक स्टेटस ये चल रहा है, ये देखो, है ना, मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ और बढ़िया से आए, उसके बाद उसको खाते हैं, ये वाला उठाते हैं। डेकोरेशन भी अच्छी है, अभी आता है ना तो मैं दिखाती हूँ। डेकोरेशन बहुत नहीं, बहुत ही अच्छी है, जो भी कुछ डेजर्ट्स आ रहे हैं, फ्लेवर तो है ही अच्छा। खैर अभी तो मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा हो रहा है। रेड वाला आ रहा है ना उधर, वो आ रहा है ना, ये इसको खाएंगे हम। हर एक डेजर्ट की डेकोरेशन यूनिक थी, और हाँ कैलोरीज की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि पोर्शन साइज छोटा था। इतनी सारी प्लेटें इन लोगों ने भर भर के खाई, पता नहीं जाता कहाँ है। मैं तो मुंह से हवा भी लेती हूँ ना तो भी मेरा वजन बढ़ जाता है। अब सुशी नहीं खा सकते तो क्या हुआ, केक ऑन कन्वेयर बेल्ट तो जरूर से ही खा सकते हैं। और हाँ मैं केवल इतना ही खा पाई थी, मेरे अंदर इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू वुड हैव रियली एंजॉयड इट। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ईटिंग केक्स।